हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रो। आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैथ्स सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और क्लासेस जो होंगी हमारी 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो सबसे पहले हम बच्चों यहां पर एनसीईआरटी को कवर करेंगे और एनसीईआरटी को हम लोगों को जैसे कवर करना है तो उसका हर एक जो डेफिनेशन है, ईच डेफिनेशन, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होता है हमारा, वो पूरी डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। उससे रिलेटेड जो हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल्स के बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट, जो एक्सरसाइज दे रखी होती है, कोई भी हमारे पास कोई पहले डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन के बाद कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी में, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। फुली डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग यहाँ पर उन सारी डेफिनेशंस को डेफिनेशंस का करेंगे और उसके बाद बेटा जो आपका कंटेंट हम यहाँ पर कराएंगे वीडियोज में, वो कंटेंट आपको सेपरेट हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा और ईच चैप्टर का एक शॉर्ट नोट भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप पेपर टाइम पर जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई कैसे करें, और बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तो इसी पर्पज से हमने क्या किया है, ईच चैप्टर का एक शॉर्ट नोट तैयार किया है और शॉर्ट नोट की हेल्प से क्या करेंगे कि जो उसकी मेन पॉइंट होते हैं चैप्टर के, उन पॉइंट्स को आप इजीली देख पाएंगे और उन्हीं पॉइंट से क्या होगा, पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सिलेबस है वो करने में हमें कितना मजा आने वाला है। तो बस आपको एक काम करना है कि आपका सिलेबस मजे से हो जाए और आपके ऊपर कोई बर्डन भी ना आए। तो इसलिए बेटा आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोस हैं या भी इंफॉर्मेशन है वो सभी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।